विशाखापट्टनम जिले के तराई क्षेत्र पादेरु और अरक्कु उदाहरण हैं परिवर्तन के, सरकारी योजनाओं और विभागों के तालमेल से आए बदलाव के। कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। क्षेत्र की अधिकांश आबादी आदिवासी, साधन और जानकारी के अभाव में यहाँ के बाशिंदे जंगलों को काट जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों पर चावल, राजमा, रागी जैसी फसलों की खेती करते। दो तीन सालों में जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाने पर फिर से जंगलों को काट खेती के लिए नई जमीन तैयार करते। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की इसी प्रक्रिया के कारण बिगड़ने लगा मानव और प्रकृति के बीच का संतुलन। स्थिति में सुधार लाने के लिए वित्त वर्ष 2009-10 में आंध्र प्रदेश सरकार की पहल पर ग्रामीण विकास विभाग, आदिवासी कल्याण विभाग और कॉफी बोर्ड ने एक दूसरे का हाथ थामा और शुरुआत हुई कॉफी प्रोजेक्ट की। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और जलवायु कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त थी। जरूरी था परंपरागत खेती कर रहे 1.5 लाख आदिवासी किसानों को कॉफी की खेती के लिए पोषित, प्रेरित और मार्गदर्शित करना। इसी दिशा में योजनाबद्ध कार्य शुरू हुए। ITDA की जिम्मेदारी थी कि वो नर्सरी में कॉफी, शेड और काली मिर्च की पौध लगवाए और उसे नर्सरी चालकों से खरीदकर चयनित आदिवासी परिवारों को निशुल्क उपलब्ध कराए। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चयनित आदिवासी परिवारों की जमीन पर कॉफी प्लांटेशन का कार्य मनरेगा के तहत किया जाना तय हुआ, यानी कॉफी की पौध लगाने की मजदूरी का भुगतान मनरेगा के तहत। कॉफी बोर्ड ने क्षमता निर्माण के साथ साथ तकनीकी सहायता दी और किसानों को बाजार से जोड़ा। योजना का हिस्सा बनने के लिए जरूरी था आदिवासी परिवारों का मनरेगा जॉब कार्ड होल्डर होना। जिनका जॉब कार्ड नहीं था उनके जॉब कार्ड बनाए गए। शुरुआत की गई उन परिवारों से जिनके पास अपनी या पट्टे की 5 एकड़ जमीन थी। बाद में भूमिहीन आदिवासियों को फॉरेस्ट रिजर्व की जमीन के टुकड़े देकर योजना में शामिल किया गया। स्थानीय लोक कलाकारों के माध्यम से वातावरण तैयार किया गया। छोटी छोटी सभाओं द्वारा आदिवासियों को योजना के बारे में समझाया गया और धीरे धीरे बात बनने लगी। शुरुआत में उन किसानों को प्रशिक्षित किया गया जो अपनी नर्सरी में कॉफी की पौध तैयार करना चाहते थे। छायादार जमीन पर कॉफी के मोती समान बीजों की बुआई की गई। करीब 6 महीने में पौधे खेत में बुआई के लायक हो गए और तब ITDA ने उन्हें 11 से 15 रुपए में खरीद कर योजना के लिए चयनित किसानों में मुफ्त बांट दिया। किसानों ने अपनी जमीन पर ये पौधे सिल्वर ओक, जामुन, सुपारी जैसे बड़े और छायादार पेड़ों के नीचे लगा दिए। बची हुई जमीन पर काली मिर्च लगाई गई और बड़े पेड़ों के तनों पर वनीला, कद्दू आदि की बेलें लगाई। इस प्रकार एक खेत में कई फसलें एक साथ फलने फूलने लगी। कॉफी का एक पेड़ 30 से 40 साल तक पैदावार देता है। इस हकीकत को जान चुके आदिवासी अब अपने भविष्य को लेकर निश्चिंत थे। इन्हीं में एक नाम PVTG समूह का पल्लिक्की लक्खू। लक्खू पढ़ा लिखा होने के बावजूद तकरीबन बेरोजगार था। योजना में शामिल होकर लक्खू ने कॉफी की खेती करनी शुरू की, साथ ही काली मिर्च भी लगा ली। कोशिशें रंग लाई, आमदनी अच्छी होने लगी। बड़ा बेटा हैदराबाद के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है और छोटी बेटी फिलहाल यहीं के एक स्कूल में जा रही है। कॉफी उत्पादक किसान कॉफी के फलों को एक छोटी सी मशीन में डालकर उन्हें तोड़ बीन्स अलग कर देते हैं, जिसे पैचमेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया से कॉफी बीन्स बाजार में दुगने दाम में बिक जाते हैं। कॉफी बीन्स को अलग करने के बाद ड्राई प्लेटफॉर्म में सुखाकर उन्हें आग में सेका जाता है। ड्राई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए सरकार 15,000 रुपए की सहायता देती है। मौजूदा दौर में किसी भी वस्तु के उत्पादन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी मार्केटिंग, और इस भूमिका को बखूबी निभा रही है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन यानी GCC। इस क्षेत्र की कॉफी बाजार में अरक्कु कॉफी के नाम से बिकती है। कोडारमन्ना इसी अरक्कु वैली का एक समृद्धशील कॉफी उत्पादक है। वो अपनी पत्नी के साथ कॉफी और काली मिर्च की खेती करते हुए 7 से 8 लाख रुपया सालाना कमा रहा है।
आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके रमन्ना ने अब अपना जॉब कार्ड कैंसिल करवा दिया है। अन्य कई किसानों ने भी ऐसा ही किया और ये मनरेगा के रास्ते आत्मनिर्भरता का एक बड़ा प्रमाण है। दिस प्रोजेक्ट नॉट ओनली हेल्पिंग अस टू क्रिएट द जॉब्स, नॉट ओनली हेल्पिंग अस टू क्रिएट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऑल्सो हेल्पिंग अस फॉर इनहांसमेंट ऑफ द लाइवलीहुड सपोर्ट पर कैपिटा इनकम पर हाउस होल्ड इनकम एवरी ईयर। एंड दिस इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हाउ द एनआरजीएस कन्वर्जेंस इज हेल्पिंग द ट्राइबल्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर लाइव्स। अरक्कू और पादेरो की वादियों में कॉफी परियोजना ने यहाँ के आदिवासियों के जीवन में सफलता की मजबूत बुनियाद रख दी। वित्त वर्ष 2009-10 से यहाँ अब तक 61,684 एकड़ क्षेत्र में कॉफी प्लांटेशन का काम हुआ और 61,431 एकड़ में शेड प्लांटेशन किया गया, जिससे 60,892 आदिवासी मनरेगा परिवार लाभान्वित हुए। परियोजना के चलते 1,00,000 एकड़ हरित क्षेत्र का विकास हो चुका है और सैकड़ों करोड़ रुपयों की कॉफी परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है। कुल मिलाकर ये तो अभी शुरुआत भर है, कोशिशों का सिलसिला निरंतर जारी है।